नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत है आज के करंट अफेयर डिस्कशन में इस वीडियो में हम हिस्ट्री आर्ट और कल्चर का करंट अफेयर डिस्कस करेंगे जो यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के लिए रिलेवेंट होगा और ये करंट अफेयर मोस्टली द हिंदू से कवर किए जा रहे हैं ये है हमारा वीकली करंट अफेयर का वीकली शेड्यूल ये आप इसको पॉज करके चेक कर सकते हैं ये लाइव क्लासेस का शेड्यूल है तीन बजे से पाँच बजे तक स्टेट पी की क्लासेस चलती हैं शाम को छः बजे से आठ बजे तक यूपीएससी की क्लासेस चलती हैं और करंट अफेयर का वीडियो आपको बारह बजे से एक बजे के बीच में अवेलेबल करवाया जाता है अधिक जानकारी के लिए आप इस व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं आइए देखते हैं हमारा आज का एजेंडा क्या है पहला पहला टॉपिक हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो है दलखाई लोक नृत्य दूसरा है ज्योतिर्गमय मेला तीसरा है जो पर्सन इन न्यूज थे चौथा तो है बोनलू त्यौहार और लास्ट टॉपिक रहेगा ई चटनी आइए हम अपने पहले टॉपिक में चलते हैं जो कि है दलखाई लोक नृत्य यह किस राज्य का लोक नृत्य है यह उड़ीसा का नृत्य है उड़ीसा इसकी उपत्ति उत्पत्ति उड़ीसा के संबलपुर जिले में हुई थी इस नृत्य में इसका टॉपिक क्या रहता है इसमें राधा कृष्ण रामायण और महाभारत से इसके टॉपिक लिए जाते हैं मोस्टली राधा कृष्ण की स्टोरी से रामायण से व महाभारत के चरित्रों से इनके विषय चुने जाते हैं इस नृत्य के साथ साथ छंद भी गाए जाते हैं और प्रत्येक छंद के प्रारंभ व अंत में दलखाई शब्द का उच्चारण किया जाता है अब देखिए इसीलिए इसका नाम दलखाई नृत्य पड़ा ये दलखाई का मतलब क्या है दलखाई रिप्रेजेंट करता है लेडी लव को जो प्रेमिका को सम्मानपूर्वक संबोधित करने के लिए उपयोग किया जाता है दलखाई शब्द इसमें इस, इस नृत्य में युवा महिलाएं नृत्य करती हैं और युवा पुरुष दलखाई बो ये जोर जोर से ये शब्द गाते हैं कोई भी छंद के अंत में और शुरू में दलखाई बो दलखाई वो इस चीज को आपको याद रखना है ये इंपॉर्टेंट हो सकता है अभी न्यूज में था दलखाई लोक नृत्य ये उड़ीसा का लोक नृत्य है और इसकी उत्पत्ति संबलपुर जिले से हुई है इसके जो टॉपिक चुने जाते हैं वह रामायण महाभारत व राधा कृष्ण की कहानियों से चुने जाते हैं अगला टॉपिक जो न्यूज में था ज्योतिर्गमय मेला ये कहाँ आयोजित किया गया था ये दिल्ली में आयोजित किया गया था इसमें ऐसा यूनिक क्या था इसमें दुर्लभ वाद यंत्रों और वादकों के कौशल की प्रदर्शनी आयोजित की गई थी एक मिनट इसमें दुर्लभ वाद यंत्रों और वादकों के कौशल की प्रदर्शनी आयोजित की गई थी दिल्ली में ज्योतिर्गमय त्यौहार इसमें सड़क व रेल में मनोरंजन करने वाले गायक भी शामिल थे आप लोगों ने अभी सुना होगा कच्चा बादाम इन लोगों को भी अनुमति दी गई थी कि आप ये जो ज्योतिर्गमय त्यौहार है या कि ज्योतिर्गमय मेला है इसमें आप सम्मिलित हो सकते हैं जो लोग रोड में गाते हैं ट्रेन में वो लोग शामिल हो सकते थे ज्योतिर्गमय त्यौहार में इसमें कौन कौन से यंत्रों की प्रदर्शनी की गई है आइए उनको देखते हैं ये एग्जाम में इम्पोर्टेंट हो जाता है कामयाचावाद यंत्र ये कहाँ का है यह पश्चिमी राजस्थान में मांगड़ियार समुदाय द्वारा बजाया जाने वाला यंत्र है ये आपके सामने ये फोटो लगी हुई है ये कामयाचा है ये कामयाचा है ये धातु चरमपत्र आते सीसम और घोड़े के बाल के द्वारा निर्मित होता है धातु चर्म पत्र सीसम व घोड़े के बाल द्वारा ये निर्मित वाद्य यंत्र है काम याचा यह पश्चिमी राजस्थान के मांगणियार समुदाय द्वारा बजाया जाता है दूसरा वाद्य यंत्र जो मेले में प्रदर्शित किया गया था वो है रावण हत्था यह राजस्थान की ही एक भोपा जाति है उसके द्वारा इसको बजाया जाता है राजस्थान की भोपा जाति भोपा जाति कहाँ की है राजस्थान की इसके द्वारा रावण हत्था म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाया जाता है भोपा जाति का मुख्य पेशा क्या है यह पेशा बापू जी की फड़ बांचना और राजस्थानी समाज के लोक देवताओं के इतिहास का ज्ञान कराना ही इनका मुख्य पेशा है पेशा बापू जी की फड़ बांचना और राजस्थानी समाज के लोक देवताओं के इतिहास का ज्ञान कराना ये लोग भोपा जनजाति से हैं और यही ये ये रावण हत्था इनके हाथ में आप देख सकते हैं ये रावण हत् था ये भोपा जनजाति द्वारा बजाया जाता है अब ये भोपा जनजाति की भोपा जाति के बारे में ये जनजाति नहीं है सॉरी जनजाति निकल गया मुँह से ये भोपा जनजाति में शामिल इसको नहीं किया गया है यह भोपा जाति इसके बारे में देख लेते हैं यह नाइन्टी नाइन परसेंट से अधिक निरक्षर जाति है इनके पास ना अस्थाई घर है ना अस्थाई जमीन है इनको ना तो ओ में शामिल किया गया ना एस में ना ही एस की लिस्ट में शामिल किया गया और ये जो वाद्य यंत्र बजाते हैं रावण हत्था ये आगे चल के वायलिन का रूप ले लेता है एक और वाद्य यंत्र इसमें इलेम प्रदर्शित किया गया खोल यह वैष्णव संगीत से संबंधित वाद्य यंत्र है खोल इसे ढोल ढोल इसको नहीं कहते ढोल जनरली पंजाबी होता है पंजाबी ढोल होता है उसे ढोल कहते हैं ये खोल है इसमें एक तरफ बहुत छोटा बजाने पीटने वाला भाग रहता है और एक तरफ बड़ा साइज रहता है यह बंगाल और असम में पारंपरिक भजन गायन में उपयोग होता है इसे पूर्व के अन्य राज्यों में भी बजाया जाता है आइए अगला टॉपिक देखते हैं पर्सन इन न्यूज पर्सन इन न्यूज कौन कौन लोग न्यूज में थे पहले वेंकट रमन कृष्ण मूर्ति ये कौन है इन्हें भारत में पीएसयू का जनक माना जाता है कौन वेंकट रमन कृष्ण मूर्ति पीएसयू का जनक माना जाता है ये इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इनकी अभी 2022 में डेथ हुई है इनका जन्म 1925 और डेथ 2022 ये योजना आयोग के सदस्य रहे हैं 1991 से बानवे के बीच में और इन्होंने मारुति उद्योग के को स्थापित किया था ये मारुति उद्योग के फाउंडर माने जाते हैं वेंकट रमन कृष्ण मूर्ति इनको ये तीन अवार्ड भी मिले हैं पद्म विभूषण पद्म भूषण और पद्मश्री अवार्ड से इनको सम्मानित किया जा चुका है वेंकट रमन कृष्ण मूर्ति ये एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं और अगले जो न्यूज़ में थे बंदा बहादुर सिंह जी श्री बंदा बहादुर सिंह जी ये कौन है ये सिख वॉरियर थे इनका जन्म 1670 और मृत्यु तो 1716 में हुई इनका जन्म पुंछ जिला जम्मू कश्मीर में हुआ था इनका मूल नाम यानी बचपन का नाम इनका लक्ष्मण देव था ये न्यूज में इनका नाम क्यों था क्योंकि लाल किले में इनका शहीदी दिवस अभी मनाया गया था मोदी जी लोगों के द्वारा यह एक पहले व्यक्ति थे जिन्होंने इस भ्रम को तोड़ा कि मुग़ल अजय होते हैं पहली बार मुगलों को हराया किसने बंदा बहादुर ने उन्होंने यह भ्रम तोड़ दिया कि मुगल अजय होते हैं और इन्होंने छोटे साहिबजादों की शहादत का बदला लिया छोटे साहिबजादे कौन है ये श्री गुरु गोविंद सिंह जी के चार पुत्र थे इनको मुगलों ने फांसी पे चढ़ा इनको मृत्युदंड दे दिया था मुगलों ने क्योंकि ये धर्म परिवर्तन के लिए राजी नहीं हुए थे इनका बदला किसने लिया था श्री बंदा बहादुर सिंह जी ने और बंदा बहादुर सिंह जी ने गुरु नानक देव और गुरु गोविंद सिंह के नाम से सिक्के और मोहरें भी जारी की थी ये खालसा सेना के कमांडर हुए पंजाब में मुगलों को हराकर खालसा राज की स्थापना की खालसा राज की स्थापना बंदा बहादुर सिंह जी ने की और इन्होंने जमीदा अपने क्षेत्र में जहाँ इन्होंने खालसा राज की स्थापना की थी वहाँ जमींदारी प्रथा को समाप्त करके खेत में काम करने वाले किसानों को प्रॉपर्टी राइट्स यानी भूम अधिकार इन्होंने प्रदान करवाए थे अगला टॉपिक है बोनालू त्योहार ये क्या है यह महीने भर चलने वाला वार्षिक त्यौहार है तेलंगाना राज्य का यह महीने भर चलने वाला वार्षिक त्यौहार है तेलंगाना राज्य का और ये काली माता को समर्पित है बोनालु त्योहार काली माता को समर्पित है इसको पूछा भी जा सकता है क्योंकि अभी काली माता से रिलेटेड एक विवादित फोटो किसी ने अपने ट्विटर हैंडल में डाली थी इसलिए इसको याद रखना जरूरी हो जाता है बोनालू त्योहार यह काली माता को समर्पित है ये क्यों मनाया जाता है मन्नत पूर्ति के लिए देवी को धन्यवाद कहने के लिए जैसे आपने कोई मन्नत मांगा और वो पूरी हो गई तो आप देवी को धन्यवाद करने के लिए एक त्योहार डेडिकेट कर दिए हैं वो नालू त्यौहार यह तेलंगाना राज्य में मनाया जाता है अगला टॉपिक है काई चटनी काई चटनी क्या है इसको जीआई टैग मिला है काई चटनी को जीआई टैग मिला है यह उड़ीसा के आदिवासी समूहों में प्रसिद्ध एक व्यंजन है काई चटनी यह मुख्यतः मयूरभंज जिले में फेमस है यह लाल चीटियों जो पेड़ के पत्तों में अपना घोसला बनाती हैं उनसे बनी हुई चटनी है गांवों में इनको मटा भी कहते हैं इनकी चटनी खा जाते हैं लोग और इसे जीआई टैग भी मिला है और जीआई टैग उड़ीसा के किस जिले को मिला है मयूरभंज जिले को मिला है लेकिन ये चटनी न्यूट्रीशियस भी है इसको उड़ीसा का सुपर फूड भी कहते हैं इसमें प्रोटीन कैल्शियम जिंक विटामिन बी ट्वेल्व आयरन मैग्नीशियम पोटेशियम सोडियम व कापर जैसे मिनरल्स रहते हैं इसे दवा के रूप में उपयोग किया जाता है टू तो बूस्ट इम्यून सिस्टम इम्यून सिस्टम बढ़ाने के लिए सामान्य बुखार दृष्टि दोष जोड़ों का दर हुआ पेट की बीमारियों में इसका इस चटनी का उपयोग दवाई के रूप में यूज किया जाता है ध्यान रखना है काई चटनी कहाँ कहाँ के लिए जीआई टैग मिला है मयूरभंज जिला उड़ीसा के लिए जीआई टैग मिला है और यह एक सुपर फ्यूड है सुपर फूड है आज का वीडियो कंप्लीट हो गया वीडियो कैसा लगा आप ये कमेंट बॉक्स में बताइएगा थैंक यू फॉर वॉचिंग